हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो अब आज मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन चैप्टर जो आपका क्लास 12 का सेकंड यूनिट है, इसका मैं आपको असाइनमेंट या फिर डीपीपी सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप झारखंड बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, खैर मैं यहाँ पर आपको मैं झारखंड बोर्ड के जो या स्टेट बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड जो भी आपका, जैसे बिहार बोर्ड या कोई और बोर्ड में पढ़ रहे हैं, स्पेशली फॉर झारखंड बोर्ड स्टूडेंट होगा ये वीडियो, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर के डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये आपका डीपीपी नंबर 1 होगा, सॉल्यूशन चैप्टर का डीपीपी 1, और इसका जो पीडीएफ होगा या फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। अगर कोई व्हाट्सएप पे मेरे ऐडेड नहीं है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसके क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन भी आप हमसे ले सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको डीपीपी 1 सॉल्व कराऊंगा, इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कराऊंगा और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर को मैंने 4 डीपीपी में बांट दिया है, 4 इसके जो असाइनमेंट है इसे 4 डीपीपी हैं। फर्स्ट डीपीपी में आपका जितना भी कंसंट्रेशन टॉपिक है ना, आप लोग जब चैप्टर स्टार्ट करिएगा तो आपको चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में शुरुआत में आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको एक टर्म मिलता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आप क्लास 11 में भी पढ़े होते हैं, जो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें आपका मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ऐसे ही कई तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं। वो सभी के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस झारखंड बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या झारखंड बोर्ड के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं या मॉडल क्वेश्चन होते हैं, ये सभी का कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फिर इसी पार्ट से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में जब आए हैं या आ सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो ये आपका डीपीपी नंबर 1 है, आप आराम से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन खुद से करने का भी कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर आप खुद से अपना नोट्स बनाते हैं तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप अपना नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी मैं आपको पीडीएफ क्वेश्चन का सेंड कर दूंगा और सॉल्यूशन भी मैं आपको इन वीडियो का या इस क्वेश्चंस का वो भी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका डीपीपी नंबर 1 है, आप देख रहे होंगे, है ना। और ये जो वीडियो होगा स्पेशली डेडिकेटेड टू झारखंड एकेडमिक काउंसिल और एनी स्टेट बोर्ड, ये वीडियो आपके जेई नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें आपके झारखंड बोर्ड के या फिर आपके बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चंस पर आता हूं। आपका मैं क्वेश्चंस मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, बस आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है क्वेश्चन को, अगर बन जाता है तो बेस्ट है, नहीं बनता है तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आपको सामने सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये आपका कंसंट्रेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। ये आपका क्वेश्चन इसी साल झारखंड बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। ये कैसे बनेगा वो देखिए। देखिए, मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बगल में कर दूंगा और उसके बाद फिर आपका जो आंसर होगा मैं उसे टिक लगा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको मोलैरिटी निकालना है। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे कि मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला होता है m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, जहां डब्ल्यू बी जो है आपका है वो है आपका मास ऑफ सॉल्यूट है ना, वी एम एल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और एम बी है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आप लोग क्लास में ये चीज पढ़े होंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू बी जो है आपका सॉल्यूट का मास है और वो आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 1000 बाई एम बी। आपको निकालना होगा मोलर मास, आपको निकालना पड़ेगा किस चीज का, NaOH का। तो NaOH का जो मोलर मास है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोडियम का एटमिक मास होता है 23, आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो 1 टू 20 तक एलिमेंट्स का आपको एटमिक मास याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का एटमिक मास होता है 1। आप सबको काउंट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 40 आएगा। तो मोलर मास हो गया आपका 40 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 500 यहाँ पे होगा। बस अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 20 से 20 कट जाएगा आपका, ये 5 से 5 कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 1/4 जो होगा इसका आंसर होगा 1/4, दैट मीन्स 0.25
एम आज का आंसर होगा 0.25 m, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसे आगे बढ़ा दूंगा तो आपका ये जवाब मिट जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी, जैक बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर टू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये झारखंड बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन में बहुत बार देखा गया इस टाइप का क्वेश्चन, कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इससे दो क्वेश्चन है, एक आपका ये मॉडल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी आपका, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है ना, वो ये है कि आपको सबका फॉर्मूला आना होना चाहिए। सबका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए अभी मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, मोलैरिटी का फॉर्मूला था आपका एम इक्वल टू, मोलैरिटी का फॉर्मूला था आपका एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर एक टर्म है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अब उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये फॉर्मूला होता है आपका, है ना। तो इसका सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे कंसंट्रेशन टर्म जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आए, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आए वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आए वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है, इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, इसके फॉर्मूला में भी वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब मोलैरिटी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब वो क्यों होता है सुनिएगा, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। तो मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मोलैरिटी के फॉर्मूला में आपका वॉल्यूम है, दैट मींस ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यानी कि आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो इसका जवाब हो जाएगा मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मोलैरिटी। और अगर ये क्वेश्चन होता कि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड नहीं करेगा, तो नहीं करने वाला होता मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों होता आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में आपको फिर से देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको स्पेशली इंडिकेट किया। ये आपके जैक के मॉडल क्वेश्चन में भी आपको देखा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, फिर से आपको मोलैरिटी निकालना है। क्या है क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहां से इरेज कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका यहां ये दोबारा टाइप हो गया है, ऐसे नहीं कीजिएगा आप। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज, ये आपको निकालना है। फिर से मोलैरिटी निकालना है, और ये भी आपके जैक का क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने जस्ट पढ़ा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल। तो डब्ल्यू बी कितना हो गया आपका 40 ग्राम इंटू 1000 बाई एम बी, मोलर मास निकालना पड़ेगा किस चीज का, अगेन आपका NaOH आया, तो NaOH का मोलर मास आपने अभी जस्ट निकालना था, कितना आया था 23 + 16 + 1, कितना आया था 40 होता है इसका मोलर मास, तो ये हो गया आपका 40 इंटू वी एम एल आपका कितना है 2 लीटर। 2 लीटर है, आप इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 लीटर बराबर हो जाएगा आपका 2000 मिलीलीटर, क्योंकि यहाँ आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में ही चाहिए, है ना, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000 मिलीलीटर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कट जाएगा आपका दो बार में, ये पूरा का पूरा कट जाएगा आपका 1/2 आ गया, 1/2 यानी कि 0.5 m, तो 0.5 m किस ऑप्शन में है आपका ए, यानी कि थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ए। 3 का आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको कहा था ना कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप लोग बताइए कौन सा टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड करेगा, आपने देखा था क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में आपका वॉल्यूम आता है, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन होता है n बराबर x इंटू m, ये आप लोग क्लास में पढ़े ही होंगे, यानी कि ये भी आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फॉर्मैलिटी अनदर कंसंट्रेशन टर्म है जो कि लगभग मोलैरिटी होता है, बट ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl,
KCl, NeBr, इनके लिए फॉर्मेलिटी यूज होता है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, बस ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला आप निकालेंगे तो सबके फॉर्मूला में आपको वॉल्यूम नजर आएगा, इसके फॉर्मूला में भी वॉल्यूम नजर आएगा, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में भी वॉल्यूम नजर आएगा, फॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में भी वॉल्यूम नजर आएगा, सिर्फ मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आएगा। मैं लिख देता हूं फिर से फॉर्मूला सबका। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल, ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू मोलैरिटी होता है, यानी कि डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ वही रहेगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई, यहाँ पर मोलर मास होता है, यहाँ पर होता है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, इंटू वी एम एल, ये होता है। अब आपका बच गया क्या, मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इन सभी के फॉर्मूला में आपका वॉल्यूम नजर आ रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम नजर आ रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम नजर आ रहा है, लेकिन इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, दैट मीन्स मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, है ना, फोर का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका अगेन वही क्वेश्चन है ना, लगभग वही क्वेश्चन है। देखिए क्या है, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वही क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया गलती से, लेकिन मैं बना देता हूँ, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल। आपको लग रहा होगा मोलैरिटी के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा क्यों लिए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके झारखंड बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, उन्हीं सभी क्वेश्चन को ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। 40 ग्राम ऑफ NaOH, तो 40 इंटू 1000 बाई मोलर मास, अभी आपने निकाला था NaOH का कितना निकला था, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, आप जोड़िएगा कितना आएगा 40, ये हो गया आपका 40, और वी एम एल कितना हो गया आपका 2 लीटर, 2 लीटर मतलब कितना मिली लीटर, 2000 मिली लीटर। तो आप यहाँ 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट गया ये आपका कट गया, 0.5 m आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 5 का ए, ठीक है। वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, क्वेश्चन का आंसर होगा 5 का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, एकदम सेम क्वेश्चन है, लगभग सिर्फ डेटा चेंज है, आप लोग आराम से खुद से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर से वही बात है, मोलैरिटी m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल, यही फॉर्मूला होता है। फिर से आपको मोलैरिटी निकालना है, 2 ग्राम दिया हुआ है, 2 इंटू 1000 बाई एम बी, इसका मोलर मास कितना होगा बोलिए, अभी आपने निकाला 40 था, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200, यहाँ 200 कर दीजिए, ये आपका कट गया 20 बार में, और 1, 2, 3 आया 1/4, और 1/4 यानी कि 0.25 m आएगा आंसर। तो 0.25 m इसके ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। आप खुद से भी बना रहे होंगे, अगर आप खुद से बना रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपका झारखंड बोर्ड का बेहतरीन तैयारी होगा। अगर आप मेरे सारे DPPs सारे असाइनमेंट को सॉल्व कर देते हैं तो आपका तैयारी इस स्तर का होगा कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बस आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, खास करके झारखंड बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, ये भी आपके झारखंड बोर्ड में आया हुआ है, और कब आया हुआ है, जैक 2022, यानी कि पिछले साल झारखंड बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है, ए मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 mole ऑफ ए सॉल्यूट इन, देखिए आप यहां पर एक वर्ड है मोलल, मोलल पता है किसे कहते हैं, मोलल मोलैलिटी को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मोलैलिटी। आप देख भी सकते हैं मोलैलिटी का पहला 5 लेटर वही है, एम ओ एल ए एल। तो मोलैलिटी क्या होता था, अगर आप पढ़े होंगे क्लास में तो आप यही जानते होंगे मोलैलिटी क्या है। मान लीजिए अगर आप एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व है, सॉल्वेंट में, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज मोलैलिटी। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास में कि अगर आपका सॉल्वेंट 1 kg है, कितना केजी है, 1 kg, तो उसमें सॉल्यूट का जो भी मास डिजॉल्व हुआ होगा,
एक केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी मास डिसॉल्व हुआ होगा उसे ही कहा जाता है मोलैलिटी। इसका डेफिनेशन यही होता है मोलैलिटी का, मोल होगा, ठीक है। एक केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी मोल डिसॉल्व हुआ होगा उनके नंबर ऑफ मोल्स को कहा जाता है मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, ये जानते होंगे आप। तो यहां पर डेफिनेशन ही है, क्या लिखा हुआ है, ए मोलल सॉल्यूशन। ए मोलल मतलब एक मोलल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, एक मोलल किसको कहेंगे, दैट कंटेन्स 1 mole ऑफ सॉल्यूट इन, एक मोल सॉल्यूट हो किसमें हो, तो 1 kg सॉल्वेंट में हो, 1 kg सॉल्वेंट में हो, उसी को ना एक मोलल कहेंगे। तो 1 kg सॉल्वेंट बराबर 1000 gram ऑफ सॉल्वेंट, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्या 1 liter सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल गलत। 1 liter ऑफ सॉल्वेंट होगा, बिल्कुल गलत। 22.4 liter ऑफ सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 gram ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपके जैक 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को एक जरा सा चेंज करता हूं और देखता हूं कि आप क्या इस सवाल का जवाब दे पाइएगा। अगर इस क्वेश्चन में मोलल के जगह मोलर रहता, मोलर, तो तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, मोलर होता तब इसे कहा जाता है मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। और मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या था, मोलैरिटी का डेफिनेशन ये होता है, सुनिएगा बढ़िया से, कि अगर आपका एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है और आपका सॉल्यूशन तैयार हो रहा है ना, तो मोलैरिटी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मोलैरिटी होता है कि अगर आपका सॉल्यूशन 1 liter बना, 1 liter सॉल्यूशन बना, तो उसमें सॉल्यूट का जो भी मोल डिसॉल्व हुआ होगा, सॉल्यूट का जो भी मोल डिसॉल्व हुआ होगा किसमें, 1 liter सॉल्यूशन में, उसे कहा जाता है मोलैरिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 1 kg सॉल्वेंट है और ये 1 liter सॉल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस है, ये 1 kg सॉल्वेंट है और ये 1 liter सॉल्यूशन है, दोनों में ही है। तो अगर ये क्वेश्चन में मोलर के जगह मोलल के जगह मोलर होता तो क्या होता, तब होता क्या, 1 liter सॉल्यूशन, 1 liter सॉल्यूशन, तब इस सवाल का जवाब क्या होता, आपका ऑप्शन नंबर बी होता। लेकिन यहां क्वेश्चन में आपका मोलल है, दैट मींस ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये आपका जैक 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, देखिएगा, है ना, ये भी आपके झारखंड बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन का ही है। 234.2 gram ऑफ सुगर सिरप कंटेन्स 34.2 gram ऑफ सुगर, व्हाट इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कई बार ना आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा मोलैलिटी निकालो या मोलैरिटी निकालो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोल, क्या लिखा हुआ है, मोलल कंसंट्रेशन। पता है मोलल कंसंट्रेशन, अभी अब जस्ट आपने पढ़ा, मोलल कंसंट्रेशन किसको कहेंगे, मोलैलिटी को ही कहेंगे, किसको कहेंगे, मोलैलिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना। तो डब्ल्यू बी कितना है इसका, है ना, सॉल्यूट का मास इसमें कितना दिया हुआ, देखे 234.2 gram ऑफ सुगर सिरप हो गया, सिरप हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन आपको पता चल गया, सॉल्यूशन कितना है, 234.2 gram सॉल्यूशन है आपका, जिसमें 34.2 gram चीनी है आपका, यानी कि सॉल्यूट आपका कितना ग्राम है, 34.2 gram चीनी है आपका, ठीक है। तो ये तो आपका सॉल्यूट होता है, आप पढ़े होंगे क्लास में, ये आपका क्या है बोलिए तो, सॉल्यूट है, और डब्ल्यू ए आपका क्या है बोलिए तो, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट आपको पता चल गया कितना ग्राम, 34.2 gram, ठीक है, लेकिन आपको सॉल्वेंट नहीं पता है। अब बोलेंगे सर सॉल्वेंट तो है ही 234.2 gram, नहीं, ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पता होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, तो अगर आप सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो आपको 234.2 gram में से 34.2 gram को माइनस करना पड़ेगा, वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 200 gram, कितना ग्राम हो गया, 200 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो आपका सॉल्यूट हो गया आपका कितना ग्राम, सॉल्यूट है आपका 34.2 gram इंटू 1000 बाई सॉल्वेंट कितना ग्राम हो गया आपका, 200 gram। अच्छा, सॉल्यूट का यहां मोलर मास भी चाहिए, और सॉल्यूट आपका क्या है, चीनी, चीनी का मोलर मास कितना होता है, बहुतों को ये याद भी होता है, चीनी का फॉर्मूला आपको याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है चीनी का, है ना। इसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं, कार्बन का एटमिक मास 12 होता है तो 12 × 12 प्लस, हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 होता है तो 22 × 1 प्लस, ऑक्सीजन का एटमिक मास 16 होता है तो 16 × 11, सब कैलकुलेट कीजिएगा, आता आएगा 342, है ना। चीनी का मोलर मास 342 होता है, बहुतों को याद भी होता है, अगर आपको याद है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप क्वेश्चन इतना बनाइएगा चीनी पर कि आपको ये याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 342,
देखिए कितना अच्छा डेटा भी है, अगर आप जीरो दीजिएगा तो कट जाएगा ये आपका, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पूरा का पूरा कट गया यहाँ, और आपका दो जीरो और कट गया, तो आंसर क्या होगा आपका 1/2 यानी कि 0.5 छोटा m, इसका यूनिट होता है छोटा m, तो 0.5 m इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 का क्या हो गया आंसर बी। ठीक है, इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ये आपका मोलैरिटी इक्वेशन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका मोलैरिटी इक्वेशन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ देता हूँ क्या है, देखिए तो है ना, 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 एम सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ डायल्यूटेड सॉल्यूशन। आप लोग पढ़े होंगे दो इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन। एक मोलैरिटी इक्वेशन आपका ये है m1v1 इक्वल टू m2v2, और एक मोलैरिटी इक्वेशन आपका ये है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3v1 प्लस v2। ये आपका लगता है डाइल्यूशन के केस में, और ये इक्वेशन आपका लगता है मिक्सिंग के केस में। इन दोनों का क्वेश्चंस मेरे इस डीपीपी में है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 200 मिलीलीटर वाटर इज एडेड टू 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, यानी कि पहले वाले का मोलैरिटी आपका है 0.2 m और इसका वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर। अब इसमें 200 मिलीटर पानी को और डाला गया, ये आपका है m1v1, 200 मिलीटर पानी को और डाला गया है। देखिए v2 बहुत लोग गलती समझ लेते हैं, v2 का मतलब ये समझ लेते हैं कितना पानी डाला गया, नहीं, v2 का मतलब होता है कितना पानी डालने के बाद कितना हो गया, पहले कितना वॉल्यूम था 500, 200 और मिला दिया गया, 500 पहले था 200 और मिला दिया गया, तो ये हो गया आपका 700 मिलीलीटर। कितना हो गया 700 मिलीलीटर, तो आपका वॉल्यूम V2 कितना हो गया आपको 700 मिलीलीटर। अब आपसे पूछ रहा है M2 बराबर व्हाट है ना, तो ये फॉर्मूला लगाइए आप, तो क्या हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2, तो आपको M2 का फॉर्मूला निकल जाएगा M1V1 बाई V2। M1 कितना हो गया 0.2, V1 कितना हो गया 500, और V2 कितना हो गया आपका 700। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया आपका 1/7, और 1/7 जो होता है आपका लगभग 0.1428 होता है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा डिवाइड करके, 0.1428 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का डी होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 250 ग्राम ऑफ 25% एंड 500 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये मास परसेंट का क्वेश्चन है ना, मास परसेंट आप लोग पढ़े होंगे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, है ना, PPM, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन टर्म है आपका, है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें दो तरह का सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आपका 250 ग्राम का है और उसका 25% सॉल्यूट है, और दूसरा 500 ग्राम का 40% सॉल्यूट है, यानी कि 250 ग्राम का 25% सॉल्यूट है और दूसरा वाला जो है 500 ग्राम का 40% सॉल्यूट है। तो अगर 250 ग्राम में 25% सॉल्यूट है तो हम लोग इसका सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं कितना होगा, तो 250 का 25% कितना होगा आपका, है ना, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 625/10 यानी कि 62.5 ग्राम हो गया। अच्छा 500 ग्राम का 40% कितना होता है, तो 500 × 40/100 ये आपका दो जीरो कट गया, यानी कि 5×20 200 ग्राम सॉल्यूट हुआ। पहला वाला में सॉल्यूट आपका 62.5 ग्राम है, सेकंड वाले का सॉल्यूट आपका 200 ग्राम है, तो बताइए टोटल सॉल्यूट कितना हुआ, दोनों को मिक्स किया गया है ना, इसलिए टोटल कितना निकालेंगे, तो 62.5 प्लस 200, तो ये आएगा 262.5 ग्राम सॉल्यूट हो गया। टोटल सॉल्यूशन कितना होगा आपका बताइए, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 500 ग्राम यहाँ से, 250 ग्राम यहाँ से, यानी कि 750 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। अब आपका इसका परसेंटेज निकाल देना है, मास परसेंट है ना, तो आराम से निकाल सकते हैं, मिलाने पर पूछ रहा है ना, तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 262.5
बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 750 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको आप कैलकुलेट खुद से कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन करके आंसर आएगा आपका 35%। ये मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे पता है इसका आंसर 35% आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये मिक्सिंग वाला केस है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, वही टाइप का एक क्वेश्चन है मिक्सिंग वाला केस का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब दो सॉल्यूशन को मिला करके नया सॉल्यूशन बना, उसका मास परसेंट पूछ रहा था, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आपसे पूछ रहा है प्योर वाटर का, आपसे क्या पूछा, प्योर वाटर का आपसे पूछ रहा है क्या मोलैरिटी पूछ रहा है, प्योर वाटर का मोलैरिटी। अब आपको लग रहा होगा कि सर मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग जो पढ़े हैं, ये फॉर्मूला आपका ये होता है एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी निकालना हो तो हम लोग को मास पता होता है सर, वॉल्यूम पता है, तब ना मोलैरिटी निकालते हैं। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, है ना। तो सुनिएगा, यहाँ इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि प्योर वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब प्योर वाटर के लिए 1 kg और 1 लीटर सेम है। ठीक है, प्योर वाटर का डेंसिटी 1 होता है ना, तो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर लीटर। अच्छा, डेंसिटी बराबर क्या होता है आपको पता होगा, मास बाई वॉल्यूम। ये आपका कितना है बोलिए तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मास बाई वॉल्यूम प्योर वाटर का होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। आप इसे 1 kg पर लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 दिया हुआ है, तो आप देखिए ये आपका क्या है मास और ये क्या है आपका वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 1। ये आपको होता है, अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हो गया 1 × 1000। और प्योर वाटर का मोलर मास आप लोग शायद जानते भी होंगे, बहुतों को पता होगा प्योर वाटर का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा 2 × 1 + 16 कितना होता है 18। ठीक है, तो 1000/18 आप 1000 को 18 से डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही फेमस सा नंबर है, और उसको डिवाइड करके आएगा आपका 55.55 m आएगा। तो प्योर वाटर का डेंस मोलैरिटी होता है 55.55। आप इसको याद, बहुत लोग याद रख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रख लिए। अगर एग्जाम में आ गया 55.55 तो आपका टाइम बचेगा, अगर आपको याद है आंसर तो, अगर नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट का क्वेश्चन है ये, 2022 का मॉडल सेट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका डेफिनेशन है, ये आपको सीधा पता होगा, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। आप लोग जो पढ़े होंगे सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन अगर आप किसी भी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। यानी कि एक रेशियो है किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, यानी कि 12 का C। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, बहुत लोग ना मोल नहीं निकाल पाते हैं। देखिए एक बात बताइए, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एम एल, है ना, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, जिसमें आप लोगों को ये पता होगा कि ये डब्ल्यू बी बाई एम बी क्या है। ये डब्ल्यू बी बाई एम बी तो ही तो मोल कहलाता है, गिवन मास बाई मोलर मास, इसी को मोल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछी क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल, है ना, क्या पूछ रहा है आपको, नंबर ऑफ मोल, मास नहीं पूछ रहा आपसे, मोल पूछ रहा है, मतलब सीधे इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। और आपको मोलैरिटी दे दिया है 3 m और वॉल्यूम दे दिया है 3 लीटर। 3 लीटर का मतलब 3000 मिलीलीटर, क्योंकि आप यहाँ फॉर्मूला में वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया 3, नंबर ऑफ मोल को आपको निकालना है इसलिए मोल रहने दीजिए, इंटू 1000, और मिलीलीटर आपका कितना हो गया 3000 मिलीलीटर। आप 2 0 3 0 काट दीजिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आसान कैलकुलेशन भी है, 3 × 3 = 9, है ना। तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 9। ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन हो जाता है, कितना मजा आता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 9, यानी कि सी। तो 13 का आंसर क्या हो गया आपका सी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 13 के बाद, 14 क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका देखिए, और ये आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है और बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, 30% बाई मास, बाई मास अगर आपको लिख दिया तो समझ लीजिए आपको ये मास परसेंट दिया हुआ है। इसके जगह पर कभी कभी क्वेश्चन में डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी लिखा हुआ रहता है, बाई मास, 30% बाई मास कौन है, बेंजीन है, किसमें है, इन किसमें है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये आपका है बेंजीन, यानी कि बेंजीन आपका हो गया क्या
सॉल्यूट इन किस में? सी सी एल फोर, ये आपका क्या हो गया बोलिए तो? सॉल्वेंट। ये आपका हो गया सॉल्यूट और वो क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। तो 30% बायोमास बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका क्या मतलब होगा? जैसे आपको कोई बोले 30% सॉल्यूट है किसी सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या समझिएगा कि अगर आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट होगा और 70 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है? 30 ग्राम अगर आपको कोई बोल रहा है 30% सॉल्यूट है, इसका मतलब 30 ग्राम सॉल्यूट होगा और 70 ग्राम आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, है ना? तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि सॉल्यूट का जो मास होगा, सॉल्यूट का जो मास होगा वो 30 ग्राम होगा और सॉल्वेंट का जो मास होगा वो आपका 70 ग्राम होगा। सॉल्यूट का मास कितना ग्राम होगा? 30 ग्राम, और सॉल्वेंट का जो मास होगा वो होगा 70 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास आपका कितना होगा बोलिए? दोनों को जोड़ दीजिए 100 ग्राम, ठीक है? इसी को तो हम लोग डब्ल्यू बी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यू ए बोलते हैं, और ये हो गया आपका डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। इतना डेटा आपको दिया हुआ है, साथ साथ एक और अच्छा चीज़ दिया हुआ है, इसमें मोलर मास भी दे दिया है। ऐसे नहीं दिया रहा था तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते, है ना? मोलर मास आपको बेंजीन का दिया हुआ है, यही आपका सॉल्यूट है, कितना? 78, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मोलर मास आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया हुआ है, कितना? 154, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? बेंजीन का, यानी कि सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी कि डब्ल्यू एक्स बी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। अब वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। डब्ल्यू बी आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 30 बाई एम बी 78, और ये हो गया आपका 70 बाई 154, 30 बाई 78। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा सी 0.459। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं ये मोल फ्रैक्शन आएगा आपका, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो गया आपका सी। 14 का क्या हो गया? सी। ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अच्छा, 15 आपका झारखंड बोर्ड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान। आप लोग नॉर्मेलिटी पढ़े होंगे, आप एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने, आपने जितना भी 15 क्वेश्चन इसमें देखा है, इसमें आपके सभी कंसंट्रेशन टर्म के कोई ना कोई क्वेश्चन आए हैं। मोलैरिटी का आया है, मोलैरिटी का आया है, मास परसेंट का आया है, नॉर्मेलिटी का आया है, मोल फ्रैक्शन का आया है, सभी कंसंट्रेशन टर्म ऑलमोस्ट टच है, है ना? तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे नॉर्मैलिटी पूछ रहा है। अच्छा, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, मैंने लिखा भी था, नॉर्मैलिटी बराबर होता है एक्स इंटू मोलैरिटी, जहां एक्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर, और कुछ लोग इसे एन फैक्टर भी बोलते हैं, एन फैक्टर, नॉर्मैलिटी फैक्टर, है ना? तो देखिए कुछ नहीं, आपको नॉर्मैलिटी निकालने के लिए एक्स और एम चाहिए। एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि आपको बोल दिया है डाई बेसिक। डाई बेसिक का मतलब जिसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो, बेसिसिटी जिसका 2 हो, उसी को बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। और वैलेंसी फैक्टर इसका मतलब इसका दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 2। और मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 0.2 m। मोलैरिटी आपको मिल गया है 0.2 m। आपसे पूछ क्या रहा है? नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी बराबर होता है एक्स इंटू एम। एक्स आपका कितना हो गया? 2 × 0.2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.4 n, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये भी आपके बहुत इजी क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा मैंने 15 एमसीक्यू कराया आपको डीपीपी 1 के, इसके बाद मैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक लेक्चर मैंने 15 एमसीक्यू कराए। टॉपिक कौन सा था आपका? कंसंट्रेशन, मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चंस इसके डीपीपी 1 में जो एमसीक्यू था मैंने इसको सॉल्व कराया। इसके सब्जेक्टिव पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुतों का फायदा होगा। जो लोग झारखंड बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग सॉल्यूशन चैप्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं ऐसे ही वीडियोस देता रहूंगा, और आगे चलकर मैं इस पूरे चैप्टर का आपको असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है? क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।